खबर छुपी लाइव आपकी खबर पेज ऐसा। बस्ती जनपद में पिराई सत्र शुरू होने से पहले ही गन्ना किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चीनी मिल प्रबंधन की नीतियों से किसानों के होश उड़ गए हैं। गन्ना किसानों का आरोप है कि चीनी मिल प्रबंधन की गलत नीतियों से यदि मॉडल क्रय केंद्र स्थापित हुए तो घटतौली व बिचौलियों के बीच में किसान फंसकर परेशान हो जाएगा। गन्ना किसानों ने इसको लेकर जिले के सभी अधिकारियों से पूर्व की भांति गन्ना क्रय केंद्र स्थापित करने के लिए शिकायती पत्र दिया। इस संबंध में जिला गन्ना अधिकारी ने कहा कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। अभी इस प्रकार से केवल मिल प्रबंधन की तरफ से आदेश हुआ है, हमारी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई आदेश होता है तो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। बस्ती में आगामी पेराई सत्र में चीनी मिलों की ओर से 23 क्रय केंद्रों को बंद कर मॉडल क्रय केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इस तरह यदि चीनी मिले गन्ना क्रय केंद्र को मॉडल बनाकर गन्ना खरीद करती हैं, तो इससे कमजोर व छोटे किसानों का गन्ना नहीं बिकेगा और बिचौलियों का पूरे सेंटर पर कब्जा हो जाएगा और बिचौलियों के बीच किसान फंसकर लुटते नजर आएंगे और आए दिन घटतौली व जाम की समस्या से गन्ना क्रय केंद्रों पर कई दिनों तक किसानों के गन्ने का तौल भी नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे तोड़ करके बड़े पैमाने में किया जाएगा तो जब सेंटर कम होगा तो भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, किसान परेशान होगा, उसका गन्ना नहीं तोला जाएगा, पैसा नहीं सही समय पर मिल पाएगा और दलाली उसमें होगी, किसी का तोला जाएगा किसी का नहीं तोला जाएगा, छोटे छोटे काश्तकार उसमें परेशान होंगे, बड़े काश्तकार जो है उसमें आराम से रहेंगे। तो इसमें जो मिल ये बना रही है मॉडल क्रय केंद्र, तो इसमें आप लोग का क्या नुकसान होगा, क्या आप लोग विरोध करेंगे? नुकसान ये होगा कि मॉडल क्रय केंद्र बनाने से हम लोग छोटे काश्तकारों का गन्ना बिक ही नहीं पाएगा, उस भीड़ में जाम में हम बेच ही नहीं सकते हैं। जब समय बिकेगा नहीं तो भुखमरी कगार पर ऐसा है, पैसा मिल नहीं पाएगा समय यथास्थिति से। किसानों का नुकसान होगा, छोटे काश्तकार परेशान होंगे और बिचौलियों को लेन देन शुरू हो जाएगा और बड़े बड़े काश्तकारों को फायदा होगा, छोटे काश्तकार इसमें ख़त्म हो जाएंगे के बाद जो है परेशान हो जाएंगे। तीन तीन दिन गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, जो आदमी किराए गाड़ी लाएगा वो बेचारा परेशान हो जाएगा। तीन दिन के किराया कहाँ से पैसा देगा, जो जितना उसका किराया गाड़ी का भाड़ा का उतना तो उसका गन्ना हो जाएगा, क्या बेचारा देगा वो जो। बस्ती जिले के सहकारी गन्ना समिति विक्रम जोत के लगभग 23 गन्ना क्रय केंद्रों की बहाली के लिए किसानों संघ डेलीगेट और डायरेक्टर के साथ समिति के चेयरमैन ने सभागार में बैठक की और चेयरमैन प्रतिनिधि अरविंद सिंह ने चीनी मिलों की ओर से मॉडल क्रय केंद्र के प्रस्ताव का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि यदि सरकार व चीनी मिल अपना आदेश वापस नहीं लेती है तो हम किसानों संघ बड़े आंदोलन को करने के लिए बाध्य होंगे। इस वर्ष पेराई सत्र 21-22 के लिए माननीय गन्ना महोदय द्वारा एक आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जिन क्रय केंद्रों की औसत सप्लाई 25,000 प्रति कुंतल 25 लाख कुंतल से कम है, ऐसे छोटे छोटे सेंटरों को मर्ज करके मॉडल सेंटर बनाने का व्यवस्था दी गई, परंतु अभी हमारे जनपद में किसी भी समितियों ने मॉडल सेंटर के संबंध में कोई भी अपना प्रस्ताव नहीं उपलब्ध कराया है और चीनी मिलों ने अपना प्रस्ताव दे रखा है परंतु समिति ने किसी भी मॉडल सेंटर का प्रस्ताव गन्ना कार्यालय को नहीं प्रेषित। भविष्य में अगर मॉडल सेंटर बनाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा कि किसानों की समस्याएं कम से कम हो ना हो, फिलहाल इस वर्ष अभी ऐसी स्थिति नहीं है। चेयरमैन प्रतिनिधि अरविंद सिंह ने बताया कि बभनान चीनी मिल ने 16 व रौचा गाँव चीनी मिल ने 6 गन्ना क्रय केंद्रों को बंद कर दिया है। यह चीनी मिल का प्रस्ताव किसी भी तरीके से किसानों के हित में नहीं है, इसलिए इसको किसी भी स्थिति में लागू नहीं होने देंगे। चीनी मिल पहले की तरह सभी गन्ना क्रय केंद्रों का संचालन करते हुए मॉडल क्रय केंद्र बनाने का आदेश वापस लें, जिससे किसान अपना गन्ना सुगमता से क्रय केंद्रों पर बेच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।